ऐसे लिए 3 या 2 दिन गरीबा काट ला। चीयर्स। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैं आजकल डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ। डेली क्या कर रहे हो? डेली व्लॉगिंग स्टार्ट की है मैंने, यूट्यूब चैनल बनाया है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? कैमरा बंद कर दे। क्या? मुझे माफ कर दो। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज है हमारी ओपीडी और वहाँ पे जाके आज हम जो है ना वो मरीजों को लिख के देंगे तरह तरह के तावीज़ ताकि उनको शिफा मिले। आज ओपीडी के बाद हमने कटिंग करवाने भी जाना है, तो और मैं सोच रहा हूँ कि बालों को कलर करवाऊँ, थोड़ा चेंज आए, थोड़ा डिफरेंट लगे। डॉक्टर उमर कैसी जा रही है ओपीडी? कैमरा बंद कर दे। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं, मैंने किया है दोस्त को कॉल, डॉक्टर उमर को हम जाएंगे अभी बाल कटवाने, तो वहाँ पे देखते हैं कि कलर करवाने हैं या नहीं बाल। तो उमर आ गया, हम जो है ना अभी कपड़े चेंज कर लेते हैं। उमर कह रहा है कि कपड़े चेंज कर लो, उधर बाल कटवाने हैं तो फिर यार अच्छा नहीं रहेगा, तो हम अभी चेंज करेंगे। चलें डॉक्टर उमर, एक और केक प्लीज़। हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही और डॉक्टर उमर जो है ना वो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पोस्ट करना होता है भाई। And to be honest, it has never brought me down. No, 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 no. I'm really glad I'm not walking around. If you really wanna know, I'm full of self-doubt. कुछ ऐसे हैं, हमने करवा ली है कटिंग और व्लॉग करते हैं इधर एंड। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं कर। हमने आज जो है ओपीडी में एक बड़ा मजे का सीन हुआ, उसकी स्टोरी आपको जाते जाते बता देते हैं। एक पेशेंट आई हमारे पास, फीमेल थी, 30s में उसकी एज थी और उसको ना पहले टीबी हो चुकी थी, 2 साल पहले ना उसको टीबी हुई थी। तो अभी उसको यानी कि उसका डायग्नोसिस जो बन रहा था ना वो पोस्ट टीबी ब्रोंकियेक्टेसिस वाली सिम्टम्स थी, उसको बहुत ज़्यादा स्पूटम प्रोडक्शन था और ना उसने गुजरात के काफ़ी डॉक्टर्स को ना चेक करवाया हुआ था। तो मैंने जब पुरानी पर्चियाँ वगैरह देखी तो मैंने कहा कि ये आपको जो है ना गुजरात के एक नामवर चेस्ट स्पेशलिस्ट ने ना उसको लिख के दिया हुआ था, पंप इस्तेमाल करने के लिए 2 पंप लिख के इस्तेमाल करने के लिए दिए हुए थे। तो मैंने जब पूछा कि ये जो है ना आपने पंप इस्तेमाल क्यों नहीं किए, तो कहती कि एक दूसरे डॉक्टर के पास मैं गई थी, उसके पास ना काफ़ी डॉक्टर्स की वो थी प्रिस्क्रिप्शंस। तो कहती कि दूसरे डॉक्टर का उन्होंने नाम बताया और कहा कि इस डॉक्टर ने कहा था कि ये अगर आप इस तरह इस्तेमाल करेंगी ना तो ये पंप आपको लग जाएगा और ये सारी ज़िंदगी फिर आपको पंप लेना पड़ेगा। तो मैं सर पकड़ के बैठ गया कि यार ये जो डॉक्टर साहब हैं, एक चेस्ट स्पेशलिस्ट ने पंप लिख के दिए हुए हैं और एक जनरल फिजिशियन पेशेंट को ये मशवरा दे रहा है कि आपने ये पंप इस्तेमाल नहीं करने, अगर आप ये पंप इस्तेमाल करेंगी तो ये सारी ज़िंदगी के लिए आपको लग जाएंगे। तो अल्लाह भला करे कि आपका मसला ही पंप से हल होना है और इसका कोई हल ही नहीं है। ठीक है, आपको इतनी म्यूकस प्रोडक्शन है, इतना यानी कि आपका मसला वही बात के होना ही हल पंप से है। तो आप उसकी बात, चलो एक लेमैन अगर कोई यानी कि उसको उसके मोहल्ले से उठ के कहता ना कि जी अगर बीबी तू है पंप इस्तेमाल करेंगी तो तेनू सारी ज़िंदगी लग जाएगा, तो चलो गल मनन च आती सी। अब वो डॉक्टर साहब हैं, उनका यानी कि RMP हैं और इस तरह MBBS, तो उन्होंने उसको जब कहा हुआ है और जो उन डॉक्टर साहब ने गोलियां लिखी थी ना, वो चेस्ट स्पेशलिस्ट ने जो गोलियां लिखी हुई थी ना, उस उन्हीं गोलियों के डिफरेंट ब्रांड्स थे और 2 गोलियां एक दो गोलियां ना वो जो हम जनरलाइज सिम्टम्स के लिए न्यूब्रोल फोर्ट और इस तरह यानी कि हम देते हैं, तो वो जनरलाइज यानी कि सिम्टम्स के लिए उसने 2 और गोलियां ऐड कर दी और 2 वो पंप जो थे ना वो काट दिए। तो ये यानी कि मैसेज है कि यार अगर आप डॉक्टर हैं और एक स्पेशलिस्ट ने किसी मसले के लिए वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हुई है
तो काइंडली जो है ना वो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें आप। एक तो वो पेशेंट सब हो सकता है कि हो गई हो बदजन के जी ये डॉक्टर साहब अच्छे नहीं थे जिन्होंने मुझे ये पंप लिख के दे दिया, अब तो ये मेरी सारी ज़िंदगी चलेंगे। और दूसरी बात फिर मैंने उसकी काउंसलिंग की, मैंने उसका कहा कि इनके वो ही काउंसलिंग के बीबी आपका मसला जो है ना वो हाल ही इससे होना है, तो आप खैर एंड पे ना वो मान गई कि जी वो पंप इस्तेमाल करेगी और उसने मुझे कहा कि लिख दें। तो उसको वही जो है ना मैंने ये भी समझाया कि आप जितने भी डॉक्टर्स के पास जाएंगी, क्योंकि उसके पास ना काफ़ी डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन थी, तो मैंने कहा आप जितने भी डॉक्टर्स के पास जाएंगी आपका जो मसला है ना इसी मसले की डिफरेंट कंपनीज की ना हर डॉक्टर ने बदल बदल के दवाइयाँ देते जाना है और आपने दवाइयाँ वही रहनी है, आपने डॉक्टर बदलते जाना और आपको यही लगना है कि मुझे उससे आराम नहीं आया, मुझे उससे आराम नहीं आया, मुझे उससे आराम नहीं आया। और वैसे भी आपका इलाज तो है ही पंप, तो इसलिए वो फिर मान गई, उसने उसको पंप लिख के दिए। अब फॉलो अप में उसको 2 हफ्ते बाद बुलाया तो देखते हैं कि उसको फ़र्क पड़ता है या नहीं, और इंशाल्लाह उम्मीद है उसको फ़र्क पड़ जाएगा। तो इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड स्टोरी के साथ, और अल्लाह हाफिज़। गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।